नमस्कार, चक दे क्रिकेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए चौथे T20 मैच में इंग्लैंड को 8 रनों से हरा दिया है। टॉस हारकर पहले खेलते हुए भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 185 रनों का स्कोर खड़ा किया। इस लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड टीम 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 177 रन ही बना पाई। सूर्य कुमार यादव, जो अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेल रहे थे, शानदार अर्धशतक लगाया और सबका दिल जीत लिया। इस मैच के दौरान कई दिलचस्प रिकॉर्ड्स भी बने। इस वीडियो में हम आपको उन्हीं रिकॉर्ड्स के बारे में बताने वाले हैं, तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। दोस्तों, सूर्य कुमार यादव ने अपने पहले ही मैच में 31 गेंदों पर 57 रनों की तूफानी पारी खेली। अपने डेब्यू मैच में ही अर्धशतक लगाकर वो भारत के तीसरे खिलाड़ी हो गए हैं जिसने ये कारनामा किया। उनसे पहले अजिंक्य रहाणे और ईशान किशन ऐसा कर चुके हैं। एक और मजे की बात यह है कि तीनों भारतीय खिलाड़ी ने इंग्लैंड के खिलाफ ही डेब्यू किया और अर्धशतक लगाया। अजिंक्य रहाणे ने 2011 में मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रेफर्ड में इंग्लैंड के खिलाफ ही 61 रन बनाए थे, जो डेब्यू मैच में किसी भारतीय द्वारा T20 में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर अभी भी बना हुआ है। वहीं बाएं हाथ के बल्लेबाज ईशान किशन ने रविवार को सीरीज के दूसरे T20 मैच में इंग्लैंड के खिलाफ अपना T20 इंटरनेशनल डेब्यू करते हुए अर्धशतकीय पारी खेली थी। किशन ने लेग स्पिनर आदिल रशीद की गेंद पर बैक टू बैक छक्के के साथ 28 गेंदों पर अर्धशतक पूरा किया था। गौरतलब है कि सूर्य कुमार यादव भारत के लिए T20 इंटरनेशनल की पहली पारी में अर्धशतक लगाने वाले 5वें खिलाड़ी बन गए। उनसे पहले रॉबिन उथप्पा, रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे और ईशान किशन ऐसा कर चुके हैं। सूर्य कुमार यादव के नाम एक और अनोखा रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। आपको बता दें, सूर्य कुमार ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की पहली ही गेंद पर छक्का लगा दिया। ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। उनके अलावा सोहेल तनवीर और मंगलिसो मोसेल ये कारनामा कर चुके हैं। पाकिस्तान के सोहेल तनवीर ने साल 2007 में जोहानसबर्ग में भारत के खिलाफ अपना T20 डेब्यू किया था। वहीं साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी मंगलिसो मोसेल ने श्रीलंका के खिलाफ 2017 में सेंचुरियन में T20 डेब्यू करते हुए पहली गेंद पर छक्का लगा दिया था। इंग्लैंड के खिलाफ चौथे T20 मैच में भारतीय कप्तान विराट कोहली लेग स्पिनर आदिल रशीद की गेंद पर स्टंप हो गए। शानदार फॉर्म में चल रहे कोहली अपने 88 T20 इंटरनेशनल मैच के करियर में पहली बार स्टंपिंग आउट हुए हैं। रोहित शर्मा पहले ऐसे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत की धरती पर अपने 50 छक्के पूरे किए। उनसे पहले कोई भी भारतीय बल्लेबाज भारतीय सरजमी पर 50 T20 अंतर्राष्ट्रीय छक्के नहीं लगा पाया था। इंग्लैंड के धाकड़ तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने अहमदाबाद में अपने T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर का सर्वश्रेष्ठ आंकड़ा हासिल किया। आर्चर ने भारत के खिलाफ सीरीज के चौथे T20 मैच में अपने कोटे के 4 ओवर में 33 रन देकर 4 विकेट हासिल किए। दोस्तों, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए चौथे T20 मैच में भारत के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने भी जबरदस्त गेंदबाजी की। उन्होंने अपने 4 ओवर में 30 रन देकर 1 विकेट हासिल किए, जिसमें उन्होंने 1 ओवर मेडन भी फेंका। ऐसा करके वो एक खास ग्रुप में शामिल हो गए हैं। T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे अधिक मेडन ओवर फेंकने वाले गेंदबाजों की सूची में भुवनेश्वर चौथे पायदान पर आ गए हैं। पहले नंबर पर भारत के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह हैं, जिन्होंने अब तक 7 मेडन ओवर फेंके हैं। उनके बाद 5 मेडन ओवर के साथ लेजेंडरी हरभजन सिंह का नाम है। वहीं तीसरे नंबर पर हैं भारत के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा, जिनके खाते में 4 मेडन ओवर हैं। तो भारत और इंग्लैंड के बीच चौथे T20 मैच के दौरान बनने वाले कुछ खास और दिलचस्प रिकॉर्ड्स के बारे में हमने आपको बताया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही रिकॉर्ड्स और क्रिकेट से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए चक दे क्रिकेट। धन्यवाद।